शमशान के अंदर जब मुर्दे को जलाने के लिए गए हो, अंतिम संस्कार करने के लिए गए हो, तो मां श्रद्धांजलि की जरूरत है कि भजन की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? भजन की जरूरत है। चार उधर बैठ गए वहां ठिठोली कर रहे हैं, दस उधर बैठ गए वहां ठिठोली कर रहे हैं, पीछे कुछ बैठ गए वहां हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, मुर्दा जलाने वाला मुर्दा जला रहा है, बैठा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कब खोपड़िया फूटे, कब चले, इंतजार। अगर कोई मुर्दे को लेकर पहुंचा है, जितनी देर तक अग्नि संस्कार हो रहा है उतनी देर तक, मुर्दा जब तक जले उतनी देर मेरे राम नाम का, मेरे शिव नाम का, मेरे कृष्ण नाम का, मेरे भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। उतनी देर जपो, तुम नहाए ना नहाए। कहोगे महाराज जी शमशान में भगवान का नाम, तो क्यों नहीं, मां शिव है। 16 संस्कारों में से आखिरी संस्कार होने जा रहा है उसका। 16 संस्कारों में से पहला संस्कार जो हुआ, आदिक संस्कार में से जो अंतिम संस्कार होने जा रहा है, उस संस्कार के तुम साक्षी बने हो, और साक्षी बने हो तो भगवान का नाम लेओगे तो भगवान उस जीवात्मा को सुख का भान कराएगा। बैठकर गप्पे मारने से, बोलने से, शब्द अपशब्द कहने से, शमशान में बैठकर ठेठोली करने से उस जीवात्मा को शांति नहीं मिली, और तुम मौन भी हो गए, चुप भी हो गए, मन तो तुम्हारा रत्ती भर का नहीं, बस आए हो, भगवान का नाम लो और दुनिया से लिवाओ। और जो व्यर्थ की बात करे शमशान में बैठकर, ठिठोली करें शमशान में बैठकर, हंसे शमशान में बैठकर, व्यर्थ की बात करें शमशान में बैठकर, शमशान में बैठकर गुटका मले, खाएं बीड़ी धुन के, ऐसे को पेले बिठा, शंकर के धाम में जब लोग केवल एंजॉय करने लगते हैं, शंकर के धाम में जब लोग पिकनिक मनाने लगते हैं, शंकर के धाम में जब लोग व्यसनों में डूबने लगते हैं, जैसे केदारनाथ में होटलें खुली थी और लोग एंजॉय करने के लिए जाते थे, दर्शन के लिए नहीं, तो बाबा ने अपना थोड़ा सा क्रम दिखा दिया। शमशान भी भक्ति का केंद्र है, वहां बैठकर मौन रहकर भगवान शिव का भजन करो, स्मरण करो, राम कहो, कृष्ण कहो, नाम जपो। वहां तो मरना ही नहीं था, फिर क्यों मर गए? क्योंकि बाबा को पसंद नहीं है, बाबा को प्रियता है कि तुम जितनी देर मेरे यहां आए हो। इसलिए आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान शंकर को एक चावल का दाना चढ़ाओ पर पूरा चढ़ाओ, शंकर जी को एक नरियल चढ़ाओ तो पूरा चढ़ाओ, टूटना नहीं चाहिए, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाओ खंडित नहीं होना चाहिए, शंकर को एक दुर्वा चढ़ाओ वो भी खंडित नहीं होना चाहिए, शंकर को एक शमीपत्र चढ़ाओ वो भी खंडित नहीं होना चाहिए, शंकर को जो तुम दे रहे हो उसमें खंडिता का भाव नहीं होना चाहिए, एक फल भी दे रहे हो तो वो टूट कर नहीं पूर्ण चढ़ना चाहिए। पूर्णता का भाव, भगवान शंकर को जो तुम समर्पित करो उसमें तुम्हारी पूर्णता हो, बस इतना ध्यान रखो। शंकर के दरवाजे पर भी जा रहे हो तो तुम्हारी भी पूर्णता होना चाहिए, तुम्हारा मन ये नहीं कि बैठी शंकर जी के सामने और ध्यान में लगा हुआ, उसमें कहा आरती कर रही घर में, सामने से निकल गई माता पूजन, वहीं पहुंच गई दिया लेकर, पीली साड़ी अच्छी लग रही है, तो बहू बोली मम्मी कौन से कलर वाली, तो पीली वाली, और उसके पास में गुलाबी वाली चल रही वो भी अच्छी लग रही, अब बताओ आरती और घंटी दोनों साथ में। अब वो पूजन अंदर कर रही थी, साड़ी बाहर देख रही माता पूजन में। भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति नहीं चाहिए मुझे महाराज, वो कहे ना मुख में राम बगल में छुरी, राम राम जपना, अरे जम के तो बोलो पराया माल अपना, भगवान कहे ऐसा नहीं। Thank you.